नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अक्षय कुमार भैया की नैया तो डूबने वाली है क्योंकि OMG 2 मूवी पर सेंसर बोर्ड ने लगा दी है रोक और मूवी को दोबारा रिव्यू के लिए रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मूवी में कुछ ऐसे डायलॉग्स और सीन हैं जिसे हटाने की ज़रूरत है और मूवी की डेट बहुत ही नज़दीक आ गई है 11 तारीख को। आपको पता ही होगा कि 11 तारीख को मूवी पूरी तरीके से रिलीज होने के लिए तैयार है। अक्के भैया की टेंशन तो पूरी कैसे बढ़ गई है। इस मूवी में ऐसा कुछ क्या है, आपत्तिजनक डायलॉग्स और दृश्य जैसे कि ऑडियंस को ऑब्जेक्शन होगा। अभी हाल ही में हमने आदिपुरुष का जो हाल देखा वो बहुत ही बुरा रहा क्योंकि आदिपुरुष में जो ऐसे हास्यपद तरीके से रामायण को पेश किया गया और बाद में अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए मनोज भैया पूरी तरीके से तैयार थे लेकिन यो इसमें नाकाम रहे क्योंकि भैया पब्लिक सर्वोपरि है। अगर उसने किसी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, चाहे वह मूवी 500 करोड़ में बनी हो चाहे 2000 करोड़ में बनी हो, पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं है भैया। अगर मूवी अच्छी रहेगी तो पब्लिक जरूर देखने जाएगी, अगर मूवी में तनिक भी खराबी और कोई भी ऐसा दृश्य दिखाया गया हो जिससे पब्लिक की धार्मिक आस्थाओं पे चोट पहुंचाओगे तो मूवी कोई भी चल नहीं पाएगी। ऐसा ही कंटेंट आई थिंक मुझे लग रहा है OMG 2 में भी देखने को मिलेगा हमें क्योंकि OMG 2 के टीजर में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जिससे कि लोग भड़क जाए या ना ही कोई ऐसा डायलॉग या दृश्य दिखाया गया हो जिससे कि लोग भड़क जाए एक दूसरे पर मूवी के बारे में कोई भी आपत्तिजनक बात बोले। लेकिन पब्लिक भैया ऐसे ही जैसे ही मूवी की अनाउंसमेंट हुई पब्लिक ने अक्के भैया को चेता दिया है पूरी तरीके से, भैया शंकर जी तो बन गए हो लेकिन ध्यान रहे अगर तुमने कुछ भी ऐसा उलट पुलट दिखाया या डायलॉग बाजी उल्टी सीधी हुई तो अब की तुम्हारी खैर नहीं है। आदिपुरुष की नैया तो जैसे तैसे डूबी गई और आदिपुरुष के मेकर को हाई कोर्ट से भी फटकार मिली थी कि आप इस ढंग से रामायण को पेश नहीं कर सकते, बहुत ही मजाकिया ढंग से आपने इस फिल्म में दिखाया गया है जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हो रही है और आप इस तरीके से आप रामायण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने आदिपुरुष के मेकर को सख्त हिदायत दे दी कि इस तरह की घटनाएं फ्यूचर में ना हो और आदिपुरुष के टाइम पे पब्लिक ने सेंसर बोर्ड को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी एकदम बुरी तरीके से ट्रोल किया गया जिससे कि अभी वह फूक फूक के कदम रख रहे हैं। इसीलिए OMG 2 के मामले में वह दोबारा रिव्यू के लिए भेजे हैं इस मूवी को। लेकिन OMG की कहानी भी बहुत ही विचित्र तरीके से दिखाया गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस मूवी में कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं होने चाहिए। एक तो यह मूवी नास्तिक और आस्तिक के विचारधाराओं पे बेस्ड होने वाली है लेकिन इसमें कोई और कॉन्टेंट और मुद्दा को उठाया गया है जो नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है कि इस मुद्दे को हमें ट्रेलर में देखने को मिलेंगे और इस मूवी में हमें अरुण गोविल जी भी देखने को मिल जाएंगे जो कि रामायण के फेम है, राम का ही किरदार निभाते हुए वो OMG 2 में भी नजर आएंगे। और परेश रावल जी ने इस कहानी को क्यों रिजेक्ट कर दिया ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमें OMG 2 की कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई थी इसलिए इस मूवी से हमने किनारा करना समझदारी समझा। और आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं, अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की अपडेट्स और रिव्यू आपको आगे भी मिलते रहें। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।